नमस्कार, मेरा नाम है आम आदमी। देखा होगा आपने कई बार मुझे अपने घर से निकलते हुए, ये बैग हमेशा रहता है मेरे साथ, जरूरी सामान रखता हूँ इसमें। पेशे और शौक से मैं एक कलाकार हूँ, अभी नहीं तो अपने करियर की शुरुआत मैंने थिएटर से की। जहां मौका मिला बैग खोलता था, स्क्रिप्ट निकालता था, याद करता था। जैसे कि वीराने में की थी हमने खून जिगर से गुलकारिया, और जमाना ये समझा कि हमारे घर में बाहर आई है। तो वही सिलसिला जारी रहा, घर से निकलना, बैग में कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह डालना और प्रोड्यूसरों से मुलाकातें करना। फिर जल्दी फिल्मों में काम मिलने लगा। अग्निपथ, खुदा गवाह, अकेला, हम दिल दे चुके सनम, फिल्में बदलती गई, रोल बदलते गए, तो मेरे बैग का सामान भी बदलता गया। स्टेज प्ले की स्क्रिप्ट से फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स से अवार्ड्स, पर कुछ चीजें जो मैं अपने बैग में डालकर निकलता था वो कभी नहीं बदली। वो है मेरे सपने, मेरा अस्तित्व, मेरे काम के लिए मेरा जुनून, और एक अच्छा इंसान बनने की मेरी कोशिश। आज भी ये सारी चीजें मिलेगी आपको मेरी बैग में, और मिलेंगी हर उस इंसान के बैग में जिसने कामयाबी को छुआ है, सोच और समाज को बदलने में योगदान दिया है। अमिताभ बच्चन साहब, धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट, स्टीव जॉब्स, आप लोगों ने ये नाम तो पहले भी सुने होंगे, उनकी कामयाबी के किस्से भी पढ़े होंगे, पर शायद आप लोगों ने उनका बैग नहीं टटोला होगा। उसमें रहते हुए उनके सपनों को, उनकी लगन को आपने नहीं देखा होगा। शायद उनकी बैग की एक छोटी सी जेब में आपको उनकी जिंदगी का सार मिलेगा। तो दोस्तों बताइए, क्या आप लोग भी हर रोज अपने बैग को कंधों पे लेकर घर से निकलते हैं? अगर हाँ, तो आज खोलो उसकी जिप को, टटोलो उसकी जेबों को, चेक करो क्या क्या है उसमें। आपके सपने हैं, दृढ़ निश्चय है, पैसा कमाने की ख्वाहिश है, अपने परिवार और बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने की इच्छा है, समाज में कुछ बदलाव की उम्मीद है। अगर नहीं है तो समय है बदलाव का, समय है बैग को खाली कर दोबारा भरने का अपने सपनों से, समय है अपने सपनों को एक नया घर देने का, एक बैग देने का।